जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा एवं पूजन विधि। शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि स्कंद माता कार्तिक स्वामी की माता है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जानी चाहिए। स्कंद माता का स्वरूप, स्कंद माता की चार भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने दो हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है, और एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है, जिन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता कमल के पुष्प पर अभय मुद्रा में होती हैं। माँ का रूप बहुत सुंदर है, उनके मुख पर तेज है। इनका वर्ण गौर है, इसलिए इन्हें देवी गौरी भी कहा जाता है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति थी। इस वजह से पुराणों में स्कंद माता को कुमार और शक्ति नाम से महिमा का वर्णन है। संतान सुख और निरोगी होने की कामना माँ स्कंद माता की साधना से न सिर्फ संतान सुख बल्कि रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में संतान सुख की इच्छा के साथ जो व्यक्ति माँ स्कंद माता की आराधना करना चाहता है, उन्हें नवरात्रि की पांचवी तिथि को लाल वस्त्र में सुहाग चिन्ह, सिंदूर, लाल चूड़ी, महावर, लाल बिंदी तथा सेब और लाल फूल एवं चावल बांधकर माँ की गोद भरनी चाहिए। माँ स्कंद माता का मंत्र है। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ माँ की आराधना की जाती है। सबसे पहले इस दिन स्नान करें और साफ कपड़े पहने पूजा की जगह पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। एक कलश में पानी लेकर उस कलश में कुछ सिक्के डालें और चौकी पर रख दें। स्कंद माता को रोली, कुमकुम लगाएं, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। अब स्कंद माता की श्रद्धा भाव के साथ आरती उतारें। स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाएं। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। स्कंद माता को इन चीजों का लगाएं भोग। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है।
संतान प्राप्ति की इच्छा होती है पूरी। ऐसी मान्यता है कि अस्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो उनकी इच्छा माता पूरी करती है। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। अस्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पारिवारिक शांति बनी रहती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली अस्कंद माता नवरात्रि में पांचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। अस्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें अस्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान अस्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की चार भुजाएं हैं। एक दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से अस्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में बरमुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर एकदम शुभ्र है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं अस्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।